सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? दिस इज कृष्णा, वेलकम यू ऑल टू इंग्लिश चंकीज। टुडे वी विल लर्न इंट्रोडक्टरी देयर। एंड ऐसे बहुत बार हिंदी के सेंटेंस कंप्लीट लगते हैं बट इन इंग्लिश वो इनकम्प्लीट होते हैं, तो वो हम आज सीखेंगे कि किस तरीके से हम देयर का यूज़ करके उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो इंट्रोडक्टरी देयर। बट उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलना और सब्सक्राइब के बाद घंटी बजाना मत भूलना। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एज वेल फॉर मोर अपडेट्स, न्यू वर्ड्स एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट। सो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। हिंदी का एक सेंटेंस, एक लड़का है, ये कंप्लीट सेंटेंस है बट इन इंग्लिश अ बॉय इज, ये इनकम्प्लीट है। यहाँ इस के बाद कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है सेंटेंस पूरा करने के लिए, तो यहाँ हम देयर का यूज़ करेंगे। एक लड़का है तो इन इंग्लिश ये हो जाएगा देयर इज़ अ बॉय। तो हिंदी के कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हम देयर का यूज़ करते हैं। जैसे पानी है, देयर इज़ वाटर, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। इन सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद है और वर्ब भी एज पर सब्जेक्ट ही यूज़ हुआ है। जैसे लड़का है तो इज़, राजा था तो वॉज यूज़ हुआ है। इन सेंटेंस में देयर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है पर सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए देयर का यूज़ हुआ है। एक्चुअल में देयर का और कोई भी यूज़ नहीं है, सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। देयर एक एडवर्ब भी है जिसका मीनिंग होता है वहाँ। एग्जांपल, वहाँ एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय देयर। यहाँ पे देयर वहाँ के लिए भी यूज़ हुआ है, सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए भी हमने एक देयर का यूज़ किया है। जैसे वहाँ दो लड़के थे, देयर वर टू बॉयज देयर। ओके, इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की स्थिति एक्सेट्रा के लिए भी किया जाता है। अगर लास्ट में हा, हे, ही, था, थे, थी, गा, गे, गी है और उससे पहले सब्जेक्ट है तो वहाँ देयर का यूज़ होता है। और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नो होता है। एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय, एक लड़का नहीं है, देयर इज़ नॉट अ बॉय। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या नो लगाएं अगर नाउन के पहले आर्टिकल या नंबर हो तो नॉट लगाते हैं, अगर आर्टिकल या नंबर ना हो तो नो का यूज़ करते हैं। अगर सेंटेंस में विल, शैल है तो नो नहीं आता, हमेशा नॉट का ही यूज़ होता है। मतलब अगर सेंटेंस में कोई भी अगर आर्टिकल आ रहा है या फिर कोई जैसे नंबर्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4 तो हम नॉट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम हमेशा नो का यूज़ करते हैं और विल, शैल के साथ नॉट का यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए, नदी में पानी नहीं है, There is no water in river. वहाँ चार गाय थी, वहाँ चार गाय नहीं थी, There were not 4 cows there. यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे, There will not be trees here. तो यहाँ पे जो वर्ड है वहाँ पे not use हुआ क्योंकि चार गाय थी और जैसे पेड़ नहीं रहेंगे विल आ रहा है इसीलिए हमने नॉट का यूज़ किया है। बट पहले वाले में हमारा ना आर्टिकल आ रहा है और ना ही कोई नंबर्स आ रहे हैं तो इसीलिए हमने वहाँ पे नो का यूज़ किया है। तो इस तरीके से हम नॉट और नो का यूज़ एक्चुअल में करते हैं। और भी कुछ केसेस हैं जहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ होता है, वो देख लेते हैं हम कि किस तरीके से यूज़ होता है उसका। देयर का प्रयोग कैन बी, कुड बी, विल बी, शैल बी, शुड बी, मस्ट बी, आउट बी के साथ भी होता है। एग्जांपल, हमारे देश में शांति रहनी चाहिए, देयर शुड बी पीस इन आवर कंट्री। यहाँ पे भी इसको कंप्लीट करने के लिए ही यूज़ किया है हमने। यहाँ कोई आशा नहीं हो सकती है, देयर कैन बी नो होप हियर। हम लोग के बीच में समझदारी अवश्य रहनी चाहिए, There must be understanding among us. Okay, कभी कभी रहना क्रिया रहने पर भी हम इंट्रोडक्टरी देयर का यूज़ करते हैं। जैसे किसी गांव में गरीब किसान रहता था, मतलब रहने की बात आ रही है तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, There was a poor farmer lived in a village. मेरे गांव में एक
अंधा रहता था. देर वॉज अ ब्लाइंड मैन लिव्ड इन माई विलेज, या देर लिव्ड अ ब्लाइंड मैन इन माई विलेज. इस तरीके से हम इसका सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं. तो इंट्रोडक्टरी देर का यूज इन वर्ब के साथ भी किया जाता है, अगर रहता था, आए, या फिर कुड बी, शुड बी, विल बी, शैल बी, इन सब के साथ भी हम देर का यूज़ करते हैं टू कम्प्लीट आवर सेंटेंसेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट देर. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल लास्ट. आई होप यू विल फॉलो ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स. प्लीज़ फॉलो द टिप्स एंड ट्रिक्स एंड इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट टू बी अ गुड स्पीकर, टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली. Don't forget to subscribe and hit the bell icon, and please do follow on Instagram and Facebook for more updates and new words and many more things. This is Krishna signing out. Love and peace from me to you. I wish you all be happy and healthy wherever you are. Till that, bye-bye. Take care. Meet you in the next video.